गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी के क्लास में फिर मिल रहे हैं। लव यू ऑल स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन माई ज्योग्राफी क्लास। ऑल द ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ज्योग्राफी, द नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। टुडे we will discuss on importance of geography in school curriculum, at especially at elementary level. Okay, so let us proceed for this discussion. So all of us should know, हम लोगों को सबको ये पहले जानना चाहिए कि elementary level हम लोग किसको कहते हैं। भूगोल के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद आप लोगों को भूगोल के विद्यालय पाठ्यक्रम में भूगोल के महत्व पर हम लोग को चर्चा करनी है। जब हम लोग भूगोल के महत्व पर चर्चा करते हैं विद्यालय पाठ्यक्रम में, तो हम लोगों के पास पाठ्यक्रम या विद्यालय पाठ्यक्रम के दो लेवल हमारे सामने साफ साफ आते हैं। एक एलिमेंट्री लेवल और एक जो है वो सेकेंडरी लेवल। ये विद्यालय पाठ्यक्रम के विद्यालय पठन के दो स्तर हैं। अब एलिमेंट्री लेवल किसे कहा जाता है और सेकेंडरी लेवल किसे कहा जाता है? स्टूडेंट्स, आपके पास एक और लेवल आपके कानों में गया होगा, वो है प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल एंड सेकेंडरी लेवल, ये तीन लेवल हम लोगों के पास हैं। अब आपके सामने ये प्रश्न होगा कि किसे प्राइमरी लेवल कहा जाता है, किसे एलिमेंट्री लेवल, किसे सेकेंडरी लेवल कहा जाता है। प्राइमरी लेवल का एजुकेशन जो होता है वो शुरू से, जब से बच्चा स्कूल में जाता है तब से लेकर के आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई को या सिक्स स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई को प्राइमरी लेवल की एजुकेशन कहा जाता है। जबकि एलिमेंट्री लेवल का एजुकेशन जो होता है वो शुरू से नहीं होता है, फॉर्मल एजुकेशन स्टैंडर्ड वन से स्टार्ट होता है और स्टैंडर्ड सिक्स या सेवन तक ये चलता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का कौन सा राज्य अपने एलिमेंट्री एजुकेशन को सिक्स तक कंसिडर करता है और कौन सा राज्य अपने एलिमेंट्री एजुकेशन को सेवन तक कंसिडर करता है। बहरहाल इन आवर कंट्री हम लोगों के यहाँ जो है वो स्टैंडर्ड सेवन तक के एलिमेंट्री एजुकेशन को कंसिडर किया गया है। लेटेस्ट स्टडी कि हम लोग एलिमेंट्री लेवल एक्चुअली कहते किसको हैं। एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेज इन फॉर्मल एजुकेशन। इट इज़ फ्री एंड कंपल्सरी, कंप्राइजिंग सिक्स ईयर्स और समटाइम्स सेवन ईयर्स, ग्रेड सिक्स से सेवन तक फॉर चिल्ड्रेन एज्ड सिक्स टू एलेवन ऑब्लिक ट्वेल्व, यानी एक कक्षा एक से लेकर कक्षा छः तक या कक्षा सात तक को एलिमेंट्री लेवल कहा जाता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। और इस तरह से कक्षा एक में जिन विद्यार्थियों का छः वर्ष की उम्र में जिन बच्चों का एडमिशन होता है, उनका नामांकन होता है, वो कक्षा सात तक आकर के बारह साल तक कम से कम हो जाते हैं। और नहीं तो 11 साल तक की व्यवस्था है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री लेवल को, कक्षा एक से लेके कक्षा सात तक के स्टैंडर्ड को हम लोग एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन कहते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार एलिमेंट्री लेवल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। The education policy of country of the country prescribe the set up specific competencies in language arts, मतलब बोलने में या लिखने में mathematics होना चाहिए, science होना चाहिए and social studies होना चाहिए, which is generally oriented towards the civic development, music art भी होना चाहिए, physical education होना चाहिए and livelihood education यानी vocational education भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग की कंट्री की पॉलिसी है उस पॉलिसी के अनुसार हमारे यहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन में इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर टिल एलिमेंट्री एजुकेशन लैंग्वेज की पढ़ाई होनी चाहिए, मैथमेटिक्स की पढ़ाई होनी चाहिए, साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए, ऑल टाइप ऑफ साइंसेज, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल साइंस, ऑल टाइप की साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए एंड सोशल स्टडीज़ की पढ़ाई होनी चाहिए। अब ये सोशल स्टडीज़ की पढ़ाई में क्या है,
शुरू के 3 क्लासेस 4 क्लासेस तक उनके सोशल स्टडीज़ कंबाइंड रहते हैं, जिसमें हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी रहता है। लेकिन उसके बाद सेवन्थ स्टैंडर्ड के बाद इनका ज्योग्राफी अलग हो जाता है और हिस्ट्री और सिविक्स कंबाइंड टिल 10th रह जाता है। ये सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये सिविक डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादातर निर्भर करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि ये बच्चों का जॉब ओरिएंटेड हो या वोकेशनल ओरिएंटेड हो, पर ये सिविक डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ज़्यादातर, या थॉट मैच्योरिटी का ऊपर ज़्यादा ये फोकस करते हैं। इसके साथ इनको म्यूज़िक पढ़ाया जाता है, फिज़िकल एजुकेशन और लाइवलीहुड एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट उनको सिखाया जाता है। तो इस तरह से ये एक प्रेस्क्राइब्ड इन लोगों का सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज बोलिए या सेट ऑफ ये करिकुलम होता है। सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो करिकुलम के लिए प्रेस्क्राइब्ड होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं। इस एज ग्रुप की कोई ख़ास बात है उसको भी समझना ज़रूरी है। इस एज की ख़ास बात यह है कि इनके पास रीजनेबल थिंकिंग एंड रीजनिंग कैपेसिटी हो जाती है। इस एज में एक और ख़ास बात जो होती है थिंकिंग एंड रीजनिंग के साथ कि इनके पास रिटेंशन पावर यानी याद रखने की कैपेसिटी भी स्टूडेंट्स के पास अच्छी खासी हो जाती है। इस एज ग्रुप के बच्चों के पास ये ध्यान रखना होता है कि बहुत मैच्योर लेवल की रीजनिंग नहीं होती है। बहुत मैच्योर लेवल की रीजनिंग, जजमेंट या मेंटल, हायर मेंटल प्रोसेस, ये सब इन लोगों के एज ग्रुप में नहीं होता है। तो क्या होता है कि इस एज ग्रुप में नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर फोकस किया जाता है और कम फोकस किया जाता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, व्हाई ज्योग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट इन करिकुलम, स्कूल करिकुलम, स्पेशली एट एलिमेंट्री लेवल। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने अभी तक देखा कि एलिमेंट्री एजुकेशन किसे कहते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि एलिमेंट्री एजुकेशन में गवर्नमेंट ने क्या कहा है पढ़ाने के लिए, और हम लोगों ने ये देखा कि एलिमेंट्री एजुकेशन में हम जो बच्चे आते हैं, जिस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, उनका मेंटल लेवल और एजुकेशनल लेवल जो होता है वो किस तरह का होना चाहिए, या हम लोग किस तरह का कैपेबिलिटी लेवल उन लोगों का किस तरह का होता है होना चाहिए, हम लोग को क्या सोच करके पढ़ाना चाहिए। अब देखिए, अब ज्योग्राफी उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है एट दिस एज लेवल के लिए और एट दिस मेंटल लेवल के लिए, और जब गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब की, उन सब के लाइट में, उन सब के आलोक में हम लोगों को ये देखना है कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है और क्या ये अपने बच्चों को कंट्रीब्यूट करता है, देता है, इनकलकेट करता है बच्चों में कि ये ज्योग्राफी जो है वो इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में है। चलिए फर्स्ट देखिए, टू अंडरस्टैंड बेसिक फिजिकल सिस्टम दैट अफेक्ट एवरीडे लाइफ, That is earth sun relationship, water cycle, wind and ocean currents and continents and ये oceans, all these things. अब इसमें क्या है, इसके लिए important होता है कि ये इस बात की बच्चों में समझ विकसित हो कि physical system कैसे चल रहा है, यानी सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। देखिए इसका फिज़िकल सिस्टम का मतलब जो वर्ल्ड में जो सिस्टम चल रहा है, रोज़ सुबह होती है, रोज़ शाम होती है, रोज़ सूरज का आना होता है, रोज़ सूरज का जाना होता है। देयर इज़ अ सोलर सिस्टम, बच्चों को सोलर सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। सोलर सिस्टम क्या होता है, उसमें सन और अर्थ का रिलेशनशिप क्या होता है, किस तरह से सन जो है वो अर्थ जो है वो सन के चारों ओर परिक्रमा करता है, रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये सारे सिस्टम जो हैं वो इस लेवल पर पढ़ाने ज़रूरी होते हैं। वाटर साइकिल क्या होता है, किस तरह से कंडेंसेशन होते हैं, किस तरह से मेघों का बनना, मतलब बादलों का बनना होता है, किस तरह से प्रेसिपिटेशन होता है, किस तरह से बारिश होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को पढ़ाना, इस लेवल पर ये जानना ज़रूरी होता है। द नेक्स्ट इज़ टू लर्न द लोकेशन ऑफ प्लेसेस एंड फिजिकल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज प्लेसेस in order to function more effectively in our increasingly interdependent world। आप देख रहे हैं कि आज का वर्ल्ड बहुत इंटरडिपेंडेंट हो गया है। आपको
ये पता चल रहा होगा कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा की थी। इवन मैंने आपको पढ़ाया था सेमेस्टर वन में ग्लोबलाइजेशन, पूरा एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, आपको याद होगा, आप उसको याद कीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने इस हम लोग ज्योग्राफी इसलिए बच्चों को पढ़ाए इस एज ग्रुप को कि वो समझ सकें लोकेशन ऑफ द प्लेसेस, पूरे वर्ल्ड के लोकेशन को समझ सकें, अमेरिका कहाँ है, चाइना कहाँ है, इंडिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर किसे कहते हैं, साउथ हेमिस्फीयर किसे कहते हैं, हम किस हेमिस्फीयर में रहते हैं, हमको हमारे यहाँ डेवलपमेंट की क्या पोजिशन है, अमेरिका में डेवलपमेंट की क्या पोजिशन है, इन सारी चीज़ों को हम कैसे पढ़ते हैं, हम लोकेशन पर पढ़ते हैं। और ये भी हम पढ़ते हैं कि ये इन सारे जगहों के कल्चरल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि वहाँ पर खान पान, वेशभूषा, रहन सहन कैसा है और हमारे यहाँ का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा कैसी है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम कभी कभी हम कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं, तो इन बच्चों को जब हम ये सारी चीज़ें हम लोगों को बतानी होती है और ये भी बताना होता है कि क्या इंटर रिलेशनशिप है इन सब प्लेसेस के बीच में और कैसे ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। To understand the geography of past times and how geography has played an important role in the evolution of people, their ideas, places and environment. यानी historical aspects में भी geography को बताना है, कैसे भूगोल पुराने समय में हुआ करता था, कैसे उन जगहों का विकास कैसा होता था, इन और हमारी country का क्या इतिहास रहा है, geographical history क्या रहा है, इन सारी चीज़ों को हम किस में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, बताने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन में स्टूडेंट्स के करिकुलम में ये ज्योग्राफी का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि कहाँ के लोगों का विकास कैसे हुआ है, अमेरिका में लोग जा कर के कैसे बसे, इंडिया के लोग कैसे बसे, ऑस्ट्रेलिया में लोगों का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, किस तरह से रेसेस आए हैं, किस तरह से एथनिसिटी उनके अंदर है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि कहाँ के लोग किधर से किधर माइग्रेट किए हैं, कहाँ से लोग जाके कहाँ बसे हैं, किस तरह से किस जगह की खोज हुई है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं किस में, ज्योग्राफी में। और ये एलिमेंट्री एजुकेशन में इन सारी चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है टू डेवलप द ऑक्यूपेशनल फोरसाइट फ्रॉम द ज्योग्राफिकल फील्ड। इस एज ग्रुप में बच्चे को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ज्योग्राफी में कौन सा ऐसा फील्ड है, कहाँ ऐसी कौन सा ऐसा मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि जहाँ मैं अपने ऑक्यूपेशन की खोजबीन कर सकता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने जब ज्योग्राफी के मीनिंग को और ज्योग्राफी के स्कोप को जब हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो आपको याद होगा कि ज्योग्राफी के स्कोप को पढ़ने के समय हम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया था कि ज्योग्राफी जो है वो ये इस बात का भी ज्ञान देती है कि किस तरह से ये ऑक्यूपेशन से किस तरह से जुड़ी हुई है, जब हम ज्योग्राफी के स्कोप पर देखे थे तो उस ऑक्यूपेशन के आलोक में बच्चे ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तब अपने ऑक्यूपेशन को खोज सकेंगे, ढूंढ सकेंगे, समझ सकेंगे कि किस तरह का ऑक्यूपेशन जो है वो हमारा ऑक्यूपेशन हो सकता है या कौन सा फील्ड हमारे ऑक्यूपेशन के लिए, हमारे लाइवलीहुड के लिए अच्छा हो सकता है। हम लोगों ने ये देखा था कि ज्योग्राफी इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, इस बात पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि भूगोल जो है वो सभी विषयों से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, एज़ वेल एज़ इट इज़ ये यहीं से सारे सब्जेक्ट्स निकले हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट्स में जाने के लिए या अपना करियर बनाने के लिए स्टूडेंट्स को ज़रूरी है इस लेवल के बच्चों को कि वो ज्योग्राफी को अच्छी तरह समझें और ये समझें कि इससे निकलता हुआ कौन सा ब्रांच जो है वो हमको हमारा करियर बन सकता है। नाउ Geography is the investigation of places that make up our world. Places are specific areas of the earth surface and can range from the locality to a country to a major world region.
स्टूडेंट्स, ये जो मैंने पहले जो हम लोगों ने चार पॉइंट पर चर्चा की, ये चार पॉइंट इसी को मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट किया है। और चूंकि फिजिकल ये ज्योग्राफी है और ये प्लेस टू प्लेस को पढ़ेंगे, तो ये ज्योग्राफी हम लोगों को बच्चा स्टूडेंट्स को हम लोगों को इसलिए पढ़ाना है क्योंकि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो इस बात के इन्वेस्टिगेशन करता है, इस बात की जांच करता है, इस बात को ढूंढता है कि कौन सा प्लेस कहाँ है और उस जगह कौन सी जगह कहाँ है, और वो जगह की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी विशेषताओं को पढ़ता है, उस विशेषताओं को जानता है, और उन विशेषताओं के आलोक में वो स्पेसिफिक एरिया को पहले पढ़ता है। भाई पहले झारखंड पढ़ना है, पहले जमशेदपुर पढ़ना है, जमशेदपुर पढ़ने के बाद हमको थोड़ा झारखंड पढ़ना है, झारखंड पढ़ने के बाद हमको थोड़ा इंडिया पढ़ना है, इंडिया पढ़ने के बाद एशिया पढ़ना है, एशिया पढ़ने के बाद वर्ल्ड पढ़ना है। तो ये सारा जो सिलसिला है वो बच्चे शुरू कहाँ से करते हैं, अपने टाउन से, अपने मोहल्ले से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, और वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक पूरी दुनिया बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स को इससे बहुत इंटरेस्ट होता है और वे पूरे वर्ल्ड के बारे में और वर्ल्ड में अपने लोकेलिटी के इम्पोर्टेंस को वे समझते हैं, इसलिए ज्योग्राफी पढ़ना उनके लिए ज़रूरी होता है। द नेक्स्ट इज़ ज्योग्राफी आंसर्स ऑल क्वेश्चंस अबाउट व्हाई दे हैव देयर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ज्योग्राफी इन बच्चों को, ये इस क्यूरियोसिटी को शांत करता है। बच्चा, हर बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, भाई क्यों ऐसी चीज़ है कि हमारे यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है जबकि अमेरिका में गर्मी नहीं पड़ती है इतनी ज़्यादा। तो इस क्यूरियोसिटी को कौन शांत करेगा? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बताएगा कि चूंकि हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में हैं और अमेरिका ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है, इसी वजह से क्या है, इसी वजह से हमारे यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उनके यहाँ कम गर्मी पड़ती है। तो इसी तरह से ये सारे और साइड बाय साइड एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप जो है वो क्यों है, कैसा है, कैसे है, ये सारे क्यूरियोसिटी को का उत्तर जो है वो ज्योग्राफी बच्चों को देती है। इसके साथ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ एंड व्हाई दे चेंज द व्हाई द व्हाई आर व्हाई दे आर व्हाई दे आर चेंजिंग एंड देयर व्हाई दे आर चेंजिंग और साथ ही साथ देयर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल सिग्निफिकेंस। वो बच्चे इसमें पढ़ते हैं कि भाई क्यों ये सब बदलाव होते हैं, क्यों ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में इस तरह के बदलाव होते हैं, क्यों लोग अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, और कौन सा ऐसा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल सिग्निफिकेंस है, कौन सी ऐसी बातें हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो इन सब चीज़ों के लिए प्रेरित करती हैं, कहाँ का सोशल ऑर्डर कैसा है, कहाँ का इकोनॉमिक ऑर्डर कैसा है, कहाँ का पॉलिटिकल ऑर्डर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम कैसे पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी से पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग उन बच्चों को ज्योग्राफी उनके सिलेबस में इसलिए रखते हैं, उनके करिकुलम में इसलिए रखते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेसेस स्टडीड इन ज्योग्राफी इंक्लूड पॉपुलेशन, क्लाइमेट, इकोनॉमी, लैंडफॉर्म, बिल्ट इन्वायरमेंट, बिल्ट इन्वायरमेंट, सोशल एंड वेजिटेशन, कम्युनिटीज, वाटर रिसोर्सेज, कल्चर्स, मिनरल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज एंड लैंडस्केप क्वालिटीज। यानी कि ये ज्योग्राफी जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं या बच्चे के करिकुलम में इसलिए हम रखते हैं क्योंकि ये जिस प्लेस को पढ़ते हैं, जिस जगह को पढ़ते हैं, जिस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत ये पढ़ते हैं कि वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन है तो डेंसिटी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है यानी कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ का उच्चावच कैसा है, वहाँ का की बनावट कैसी है, वहाँ का वातावरण किस प्रकार का है, लोगों के मनोवृत्ति और लोगों के जीवन के मूल्य क्या होते, कैसे हैं, जीवन दर्शन कैसे हैं, और किस तरह से वहाँ पर लैंडस्केप किस तरह का है यानी भूधरा का बनावट किस प्रकार की है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जब हम करते हैं किसी स्थान का अध्ययन, तब वहाँ पर अध्ययन ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब एलिमेंट्री लेवल पर हमारे बच्चों को ये सारी चीज़ों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है,
इसलिए उनके पाठ्यक्रम में भूगोल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Some are tangible and some are intangible। तो टेंजिबल क्या मतलब क्या होता है? टेंजिबल मतलब जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जैसे कि कोस्ट को, रोड को, वेजिटेशन को, प्लेटू को, इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं और इन सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं, नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, इनके बारे में हम पक्का पक्की कोई राय दे सकते हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनटेंजिबल हैं, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महत्व उसको महसूस कर सकते हैं, जो हमारे इमोशनली हमको सेटिस्फाई कर सकते हैं और हमारी इमोशनल क्यूरियोसिटी को खुश कर सकते हैं। तो इसमें सीनिक ब्यूटी है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं और जो हमको जो हम हमारी क्यूरियोसिटी को, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को, लाइफ वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करते हैं। तो समझ रहे हैं आप स्टूडेंट? अब देखिए, वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन ज्योग्राफी एंड रिलेटेड फील्ड्स फ्रॉम एन एलिमेंट्री फील्ड्स फ्रॉम एन एलिमेंट्री लेवल, यानी एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन से भी बच्चे जो हैं वो इसलिए उनको पढ़ाया जाता है कि वो कुछ वोकेशनल फील्ड अपना खोज सकें। वोकेशनल फील्ड खोजने का मतलब होता है कि अपनी आजीविका के कोई मार्ग वो अपना खोज सकें। जब वे आजीविका का मार्ग खोजने लगेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हम कौन कौन से काम करने के योग्य हैं, क्या कर सकते हैं। इट मे बी सम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, अगर वो अपने लेवल पर चाहें तो कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर सकते हैं, या किसी अदर इकोनॉमिक सेक्टर में वो काम कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, किसी भी सेक्टर में वो अपने लिए फील्ड की परिकल्पना कर सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि वो फील्ड में जाएं और तुरंत जॉब करने लगें, यहाँ से सीधे उनको कोई इस तरह की नौकरी मिलने वाली नहीं है, पर दे कैन परस्यू, दे कैन थिंक, दे कैन फिक्स देयर डिज़ायर एंड गोल। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर इस लेवल में वो कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं, ठीक है। अगर उनका इंटरेस्ट होगा तो दे कैन गो फॉर देयर इंटरेस्ट, और नहीं तो अपना इंटरेस्ट भी इस फील्ड में वो जेनरेट कर सकते हैं पढ़ करके। अगर उनको ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट आएगा तो स्टूडेंट कैन बी अ वेरी गुड रिसर्चर, ज्योग्राफर, ज्योग्राफी रिसर्चर, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर उनके लिए एक बहुत बड़ा फील्ड भी खुलता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, अब इसके अलावे ज्योग्राफी हम लोगों को अपने स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाना चाहिए, क्या ज्योग्राफी उनको देती है। ज्योग्राफी हेल्प्स स्टूडेंट्स को, क्या हेल्प करती है ज्योग्राफी? हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर ओन कंट्री। अगर स्टूडेंट्स को देखिए तो स्टूडेंट्स को क्या हेल्प करता है? स्टूडेंट्स को हेल्प करती है उसकी अपनी देश को समझने में। अब अपने देश में क्या क्या वो समझ सकता है? सिटीजनशिप, वो अपने सिटीजनशिप को समझ सकता है। ज्योग्राफी सिटीजनशिप मतलब अपनी नागरिकता को वो समझता है। ज्योग्राफी नॉलेज मेक्स पीपल बिकम अ बेटर सिटीजन, लर्निंग ज्योग्राफी अलाउज देम टू आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज रिगार्डिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, यानी हमारे राष्ट्रीय संसाधनों का अच्छा से अच्छा उपयोग और राष्ट्र के हित में उसका सच्चा से सच्चा उपयोग को वे समझ सकते हैं। एक वर्दी सिटीजन के रूप में, एक योग्य नागरिक के रूप में वो उसको जानेंगे, समझेंगे और खुद उसका उपयोग उस तरह से करेंगे। अगर एक अच्छा वर्दी सिटीजन जो आज बनने की कोशिश करता है, वो कल एक अच्छा अपने स्कूल का लीडर हो सकता है, अपने कंट्री का एक अच्छे लीडर के रूप में उसका पर्सनालिटी डेवलप कर सकता है। सो ज्योग्राफी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने स्टूडेंट्स को देती है। फिर ज्योग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बच्चों को इकोनॉमिक सेक्टर की बातें बताती है। एक इकोनॉमिक और ज्योग्राफी के बीच में एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो बहुत ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ सोर्सेज, रिसोर्सेज।
आई एम टेलिंग यू, ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मीन्स द नेचुरल रिसोर्सेज, द अर्थ, द सन, द मून, द रॉक्स, मिनरल्स, वाटर, एयर, ऑल दीज आर रिसोर्सेज. ओके, एंड ठीक इसके साथ ही ह्यूमन रिसोर्स भी ज्योग्राफी का हिस्सा है. द पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एज सेक्स रेशियो, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, लाइबिलिटी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है वो रिसोर्स के रूप में कब हो जाता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं. एंड इकोनॉमिक्स का मेन मुद्दा क्या होता है, रिसोर्सेस. ओके, तो रिसोर्सेस प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज ज्योग्राफी और इकोनॉमिक का दोनों का कॉमन टॉपिक होता है, इसलिए इकोनॉमिक और इकोनॉमी जो है वो स्टूडेंट्स के सामने बहुत क्लियर होते हैं जब वे ज्योग्राफी पढ़ते हैं. नाउ हिस्ट्री. हिस्ट्री जो है, लर्निंग ज्योग्राफी अलाउज स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट द इम्पॉर्टेंट क्लूज ऑफ देयर नेशंस हिस्ट्री. उनके अपनी कंट्री के हिस्ट्री के बहुत सारे तत्व जो हैं वो भूगोल में छुपे होते हैं, और ज्योग्राफी पढ़ता है जब स्टूडेंट तो उनको वो ज्योग्राफी वो उनको पढ़ने से प्राप्त होता है, उस इतिहास का पता चलता है. ठीक है, नाउ द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट जो होता है वो तो ज्योग्राफी का हार्ट ऑफ द ज्योग्राफी है. द होल इन्वायरमेंट इज़ द हार्ट ऑफ ज्योग्राफी. पूरा इन्वायरमेंट ही ज्योग्राफी का हृदय है. अगर बच्चे ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उनको इन्वायरमेंट पढ़ना पड़ता है, और इन्वायरमेंट जो है वो आजकल के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है. इवन एट एनी मतलब किसी भी लेवल पर ज्योग्राफी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंटली इन्वायरमेंट के लिए, इन द पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है ना. ज्योग्राफी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. अपने स्टूडेंट्स को बताइए कि ज्योग्राफी जो है वो उनको विश्व को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, और ये उनको समझने का टूल देती है, इंटरनेशनल मैटर्स को समझने का टूल देती है, मल्टीकल्चरल कंसर्न्स को समझने के टूल देती है, इन्वायरमेंट मैटर्स को समझने के लिए ये टूल देती है ज्योग्राफी. और इस तरह से पीपल जो हैं, बच्चे जो हैं, वो क्या सीखते हैं, मैप भी सीखते हैं, लोकल और ग्लोबल इंफॉर्मेशंस को वो मैप पर इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, और वो इंटरनेशनल नेटवर्क को, ट्रेड और अदर थिंग्स के नेटवर्क को भी वो अच्छे से समझ सकते हैं. कब, जब वो ज्योग्राफी जानेंगे तब. जब तक वो ज्योग्राफी नहीं जानेंगे, लोकेशन नहीं जानेंगे, वर्ल्ड की बनावट नहीं जानेंगे, कंट्री के बीच के आपस के रिलेशनशिप नहीं जानेंगे, तब तक उनका कोई भी कॉन्सेप्ट, किसी भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट उनका कभी क्लियर नहीं होगा. ये एकदम तय मामला है. इसलिए ज्योग्राफी पढ़ना एलिमेंट्री लेवल पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आप समझ गए होंगे. फिर से मैं एक बार कंक्लूड कर रही हूँ, रीकैप आपको कर दे रही हूँ. एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट जो होते हैं वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 7 तक के सामान्यता होते हैं, जिन्हें ज्योग्राफी पढ़ना जिनके लिए महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में स्टूडेंट्स क्या होता है, वो क्यों ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी के दोनों पार्ट को वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं. एक पार्ट तो है क्या, फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी. ये दोनों पार्ट वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं ज्योग्राफी पढ़ करके, और इन दोनों के द्वारा वो अपनी लाइफ को एक दिशा भी दे सकते हैं फॉर देयर ऑक्यूपेशन. इसके बाद जब वो पढ़ने लगते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, तो प्लेस के, किसी स्थान के विषय में पढ़ते हैं, और वो स्थान उनका अपना लोकल स्थान भी होता है, जिस जगह पे वे रहते हैं वहाँ का पढ़ते हैं, और वहाँ से जब बढ़ते 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 वो पूरे विश्व के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं. बहुत सारी जानकारियाँ वो प्राप्त जो करते हैं वो उसको देख सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो भूगोल पढ़ते पढ़ते उनके अंदर डेवलप होती है जो उनकी अंतरात्मा को तृप्त करती है. ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, लोगों के विषय में जानकारियाँ हैं, रेसेस के बारे में जब वो जानते हैं, लोगों के उद्भव और विकास के विषय में जब जानते हैं, सिविलाइजेशन के विषय में जानते हैं, जब कल्चर के विषय में वो जानते हैं,
तब उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर फिर उनको भूगोल में ही प्राप्त होता है। इसके साथ वो ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी ज्योग्राफी पढ़ करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, ज्योग्राफी जो है उनको अपनी अपनी कंट्री को समझने में बहुत मदद करती है। अपनी कंट्री को जान के उनका क्या क्या डेवलपमेंट होगा, सिटीजनशिप का विकास होता है, उनका इकोनॉमिक आईक्यू और व्यू पॉइंट का डेवलपमेंट होता है, वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को अपनी कंट्री के समझते हैं, वो एनवायरनमेंट को टोटलिटी में समझते हैं, और इसके साथ ज्योग्राफी उनको पूरे विश्व को समझने में उनको मदद करता है। अब पूरे विश्व को जब वो समझते हैं, तो जब वे पूरे विश्व को समझते हैं तो पूरे विश्व के इसको आज वो पूरे विश्व के लोकेलिटी को समझेंगे, ह्यूमन को समझेंगे, और कल उनका इसी के बेसिस पर उनकी रीजनिंग, थिंकिंग, जजमेंट जैसे हायर मेंटल प्रोसेसेस होंगे जिससे वो पूरा नेटवर्क को समझेंगे और इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी को, इम्पोर्टेंस ऑफ उनका अपना प्लेस, वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ का इंटर रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें वो पढ़ करके समझ सकते हैं। सो एलिमेंट्री लेवल पर हम लोगों ने जाना कि ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आज के क्लास इतना ही। ऑल द बेस्ट एवरीबडी, बाय बाय।